بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر 12 جس کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹرگنومیٹری اور ٹاپک ہم جو پڑھ رہے ہیں سرکل کنیکٹڈ ود ٹرائنگل سرکل کنیکٹڈ ود ٹرائنگل इससे पहले हमने सर्कम सर्कल को कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कल पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कल है इन सर्कल, ठीक है। इन सर्कल होता क्या है, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखें, एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूं, लेट्स सपोज ये एक साइड है ट्रायंगल की, ये दूसरी साइड है ट्रायंगल की, ठीक है। इसी तरह से बल्कि हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट इसको कर लेते हैं। ये एक साइड है ट्रायंगल की, ठीक है, और ये सेकंड वन, और ये हमारे पास थर्ड साइड हो जाएगी ट्रायंगल की, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं इसके एक सर्कल ड्रॉ करूं जो कि तीनों वर्टिसेस से पास करे, वो तो होगा सर्कम सर्कल। लेकिन इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल होता है कि मैं ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं जो कि इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल हो और तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, ठीक है। जैसा कि ये एक सर्कल है, ठीक है। इसको हम एग्जैक्टली सर्कल की शेप में ले आते हैं ताकि इसको मैं ऐसा करता हूं कि रब करता हूं, दोबारा से बनाते हैं। सर्कल की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं और ठीक तरह से इन सर्कल बनाते हैं। ये आप सर्कल देखें तो ये सर्कल जो है तीनों साइड्स को, ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस सर्कल को कहेंगे इन सर्कल, ठीक है। ये होता है इन सर्कल, या इसको हम कह सकते हैं इनस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। इसको हम इनस्क्राइब्ड सर्कल भी कह सकते हैं, इनस्क्राइब्ड सर्कल, या फिर इन सर्कल कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं इन सर्कल को। अच्छा, अब इसका जो है, जिस तरह से हमने बाकी जो सर्कल सर्कल इससे पहले पढ़ा था उसमें जो प्रोसीजर हमने यूज किया था, वही यहाँ पर भी हम यूज करेंगे कि सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं कि सेंटर किस तरह से इसका फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो सेंटर देखें, अगर आप ये एंगल्स हैं इसके, बल्कि उससे पहले मैं वर्टेक्स के नाम भी लिख देता हूँ और फिर एंगल्स के नाम भी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्टेक्स जो है, इस वर्टेक्स को ए वर्टेक्स कह देते हैं, इस वर्टेक्स को बी वर्टेक्स, और ये है सी वर्टेक्स, ठीक है। तीनों वर्टेक्स हो गए, और इसके ऑपोजिट साइड्स भी रख लेते हैं। ये ए साइड है, ये बी साइड है, और ये सी साइड है, ठीक है। अब देखें, ये होगा एंगल अल्फा, ये बीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं अंदर करके लिख देता हूँ अल्फा, ये है बीटा, और ये गामा एंगल, ठीक है। अब हमने एंगल्स के बायसेक्टर्स फाइंड करने पहले, ठीक है, क्योंकि एंगल्स के बायसेक्टर्स जहाँ पर आपस में मीट कर रहे होंगे ना तीनों, वो होगा इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, पहले तो सेंटर फाइंड करना है। सेंटर किस तरह से आएगा कि तीनों बायसेक्टर्स जो हैं एंगल्स के, वो हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो जहां पर वो मीट करेंगे उस पॉइंट को हम कह देंगे ये सेंटर है इस सर्कल का, इन सर्कल का, ठीक है। तो चलें जी, हम बायसेक्टर्स बनाते हैं।
किस तरह से बनाएंगे आप देखें, अगर आप कंपास से बनाने लगें, कंपास से किस तरह से, यहाँ पर कंपास रखेंगे, जितनी मर्जी आप ओपन कर लें, ठीक है, तो एक आर्क आप लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप कंपास रखेंगे तो उतनी ही आपने खुली रखनी है, ठीक है, तो दोबारा से आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर इसको कट करेगी, ठीक है, कट करेगी, फिर आपने इसको इसके साथ स्क्वायर रख के जो है इसको ज्वाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, तो वो एंगल का बायसेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, आप वो खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एंगल ऑफ यानी कि एंगल का बायसेक्टर तकरीबन, इस तरह से बनेगा, बल्कि मैं इसको मजीद ठीक कर लेता हूं, इस तरह से। ये इसका जो है एंगल का, एंगल ऑफ अल्फा यानी कि मेजरमेंट एंगल ए का जो है वो बायसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। इसी तरह से आप बी यानी कि सी साइड पे आप आ जाएं, ठीक है, एंगल सी या एंगल अल्फा गैमा जो है उसका बायसेक्टर आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उतनी ही आपने कंपास को ओपन रखना है और यहाँ पर रख के आपने दोबारा से आर्क ड्रॉ करनी है, तो ये आपके पास एक यानी कि इंटरसेक्शन आ जाएगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने जो है वो सी पॉइंट से जो है ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बायसेक्टर आ जाएगा एंगल सी या एंगल गैमा का, ठीक है। तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तकरीबन इस तरह से हमारे पास एंगल बायसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने बी से फिर ज्वाइन करना है, तो तकरीबन यहाँ पर आगे यानी कि मेरा मतलब आपको यहाँ पर समझाना है कि इसका सेंटर किस तरह से फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, तो सेंटर किस तरह से फाइंड करना है, तो ये होता है, ये यहाँ पर करके आएगा आपके पास सेंटर, ठीक है। बाकी मैं एंगल बायसेक्टर्स को डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो सेंटर से गर्ज है, ठीक है। पहले हमने देखना था कि सेंटर आएगा किस तरह से, वो हम देख चुके हैं, तो सेंटर तकरीबन यहाँ पर करके इस तरह से ये सेंटर आ जाएगा, ठीक है, सर्कल का। और इस सेंटर को, पॉइंट को हम कहते हैं, अगर इन सर्कल का सेंटर है तो ये इन सेंटर कहलाएगा, ठीक है, इन सेंटर। अच्छा, उसके अलावा, अब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर करेंगे कि क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान यानी कि इस ट्रायंगल और इस सर्कल के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट कह देते हैं, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने अब परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर्स हम इस साइड पे ड्रॉ करेंगे, इस साइड पे भी ड्रॉ करेंगे, यानी कि तीनों साइड जो है ट्रायंगल की उस पर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इस साइड पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसी तरह से ये इस साइड पे परपेंडिकुलर है और इसी तरह से ये इस साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तीन जो है परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर थोड़ा सा गलत बन गया, सही से परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस तरह से करके जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब मैंने तीनों के तीनों परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ कर दिए यहां पर, तो अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम करेंगे, अच्छा इसके साथ मैं 90 डिग्री का साइन भी डाल देता हूँ, ये परपेंडिकुलर, ताकि हमें पता चले ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आ गए। उसके अलावा हमने करना ये है कि अब इन यानी कि वर्टिसेस को ज्वाइन करना है ओ के साथ, पॉइंट ओ के साथ, तो चलें हम ज्वाइन करते हैं इसको, हमने ज्वाइन करना है पॉइंट ओ के साथ, इस तरह से ही आ जाएगा।
इसी तरह से हमने जॉइन करना है इस ए वर्टेक्स को भी, ये इस तरह से बन जाएगा ठीक है। इसी तरह से हमने सी वर्टेक्स के साथ भी इसको जॉइन करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ ठीक है। तकरीबन इस तरह से बन जाएगा ठीक है। तो दो हमने काम किए, बल्कि हमने तीन काम किए। सबसे पहले तो हमने सेंटर फाइंड किया, उसके बाद सेंटर फाइंड करने के बाद जो सेंटर पॉइंट है उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तीनों साइड्स के ऊपर ठीक है। तीनों साइड्स ए बी, ए सी और बी सी साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए। और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था कि हमने उस सेंटर से तीनों वर्टिसेस को भी ज्वाइन कर दिया ठीक है। तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद अब हमारे पास कुछ शेप्स सामने आई हैं, कुछ ट्रायंगल्स सामने आई हैं, तो वो हम उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो ये है देखें, इस पॉइंट ओ से लेकर, इसको पॉइंट ओ कहते हैं, इस पॉइंट ओ से लेकर यहाँ तक जो परपेंडिकुलर है आप इसको देखें, तो इसके हम नाम भी रख लेते हैं ठीक है। ये इसका नाम मैं रख रहा हूँ जी डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है और ये जहाँ पर इसको कट कर रहा है ठीक है परपेंडिकुलर, वो उसका नाम हम रख लेते हैं ई पॉइंट ठीक है, और इसका नाम हम रख लेते हैं एफ पॉइंट। अब आप देखें ये ओ एफ किसके इक्वल है, एक तो परपेंडिकुलर तो है ही है ठीक है इस ए बी साइड के ऊपर, लेकिन ओ एफ डिस्टेंस कितना है, सेंटर से लेकर बाउंड्री ऑफ सर्कल तक जा रहा है ठीक है। यानी कि ये रेडियस है आर, हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसके रेडियस को ठीक है, तो इसको मैं आर कह देता हूँ ठीक है। इसी तरह से आप ये देखें ओ डी, ये भी आर के इक्वल है क्योंकि रेडियस है, ये भी आर के इक्वल है ओ ई ठीक है। तीनों रेडियसेस रेडियस के इक्वल हैं, तीनों जो मेजरमेंट्स हैं ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि मेजरमेंट एंग, मेजरमेंट ऑफ ओ डी यानी कि ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस इक्वल है आर के, मेजरमेंट ऑफ ओ ई ये भी इक्वल है आर के, और मेजरमेंट ऑफ ओ एफ ये भी इक्वल है आर के। जब ये तीनों आर के इक्वल हैं तो तीनों फिर आपस में भी इक्वल होंगे ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ एफ, ये आपस में इक्वल हैं और ये इक्वल हैं आर के ठीक है। अच्छा ये चीज़ हमने एक तो देख ली, उसके अलावा हमारे बस हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखें अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें ट्रायंगल एबीसी का तो वो किसके इक्वल होगा ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो किसके इक्वल होगा। अगर हम सेगमेंट्स में बात करें, डिफरेंट ट्रायंगल्स की बात करें, तो हमारे पास तीन ट्रायंगल्स आई हुई हैं ठीक है। वो तीन ट्रायंगल्स मैं बताता हूँ किस तरह से हैं। ये ट्रायंगल आप देखें, मार्कर से मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल बन रही है ठीक है। ये एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई है, ये क्या ट्रायंगल है, ओ बी सी ट्रायंगल है ठीक है। तो इसके अलावा और कौन सी ट्रायंगल है, डिफरेंट कलर से हम करते हैं ठीक है। तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है इस तरह से एक, ये ट्रायंगल हमारे पास आई ठीक है। और एक और ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, उसको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, ये तीन ट्रायंगल्स हमारे पास आ चुकी हैं ठीक है। तो इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम के इक्वल होगा, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया आप अगर देखें, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं ठीक है, ये ओ पॉइंट है ना, तो ओ ए सी
ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूं, इसके अलावा ओ बी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूं, और उसके अलावा ओ बी ए या ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूं, और उन तीनों एरियाज को सम कर दूं, तो हमारे पास क्या एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, इन तीनों एरियाज के इक्वल है। अच्छा, अब हम तीनों का डिफरेंट तीनों का जो है सेपरेटली एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओ बी सी ट्रायंगल को सबसे पहले लेते हैं, ओ बी सी इसका एरिया किसके इक्वल होगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है हाफ इंटू अल्टीट्यूड इंटू बेस या बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाफ तो हम चलें ये हाफ मैंने डाल दिया, उसके बाद बेस ओ बी सी ट्रायंगल की बात हो रही है इस ट्रायंगल की। ठीक है, इसमें बेस क्या है, इसमें बेस है बी सी, तो मैं लिख देता हूं हाफ इंटू बी सी इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड अब यहां पर क्या है, अल्टीट्यूड देखें वर्टेक्स टॉप वर्टेक्स से लेकर इसकी बेस तक का डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है। तो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमने ये डिजाइन किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आर के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ओ डी इस जो है वो अल्टीट्यूड है इसका। ठीक है, ओ डी, ठीक है, हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए। ठीक है, इन तीनों का समान है, तो मैं इसको ब्रैकेट से सेपरेट भी कर देता हूँ, ये एरिया ऑफ ओ सी ए। अब ओ सी ए ट्राइंगल कौन सी है, ओ सी ए ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें अब बेस क्या है, बेस आपको नजर आएगी ए सी। ठीक है, तो हाफ इंटू ए सी इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अब यहाँ पर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये भी है ओ ई। ठीक है, ओ ई, इसी तरह से इसमें सम कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, वो होगा हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एफ, आप डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इस इन सब को आप देखें, हाफ बी सी, बी सी साइड का नाम क्या है, ए साइड है, तो हम लिख देते हैं हाफ इंटू ए, और इसके अलावा साथ में ओ डी है, ओ डी आप देखें तो आर के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आर, हाफ ए इंटू आर। इसी तरह से प्लस हाफ ए सी, ए सी साइड का नाम क्या है, ए सी साइड का नाम जो है वो है बी। ठीक है, बी साइड है, तो बी इंटू ओ ई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो भी आर हो गया, प्लस हाफ इंटू ए बी साइड का नाम क्या होगा, सी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एफ जो है वो भी आर के इक्वल है, तो ये बन गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया वो इक्वल है हाफ ए आर प्लस हाफ बी आर प्लस हाफ सी आर। ठीक है, अब इसमें देखें आपको हाफ और आर जो है वो कॉमन नजर आएगा। ठीक है, यानी कि तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हाफ आर, तो बाकी क्या बचे टर्म्स, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब ए प्लस बी यानी कि तीनों साइड है ना, ए क्या है एक साइड है ट्राइंगल की, बी क्या है दूसरी साइड है, सी क्या है तीसरी साइड है, तीनों जो है साइड्स का सम, तीनों ट्राइंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है। अगर याद करें तो हमने ये डिस्कस किया था पहले कि ये इक्वल होता है, मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए, वो इक्वल होता है टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के, यानी कि तीनों साइड्स के सम के इक्वल होता है 2s, या फिर आप जैसे कह सकते हैं s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो मैं लिख रहा हूं इसको दोबारा से कि हाफ इंटू आर इंटू
2s. अब a plus b plus c का मैंने ये reference दिया कि इसकी जगह हम 2s लिख सकते हैं, ठीक है. तो यानी कि हमारे पास जो final result आया area of triangle ABC, area of triangle ABC equal आया है half r into 2s, ठीक है. और area of triangle को delta से जो है वो denote करते हैं, delta is equal to half r into 2s. तो r into 2s, 2 2 से cancel out अगर कर दिए जाए तो delta is equal to sr. और यहां से आप r find कर सकते हैं, radius of the circle is equal to delta by s. ये relation है final relation, ठीक है. ये हमने find करना था, यहां पे r equal है delta over s, यानी कि s जो है sum of sides of the triangle, r जो है radius of the circle, delta जो है area of triangle. ये इनके दरमियान हमने, यानी कि circle और triangle के दरमियान हमने relation find किया यहां पर, ठीक है. तो ये circle जो है, इन circle लिया था हमने और triangle हमने ये ली थी ABC, उन दोनों के दरमियान हमने relation find किया radius, sides और area की form में हमारे पास relation आया. तो यहां पर इस lecture को खत्म करते हैं, ठीक है. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा. तो next lecture में हम next type of circle को discuss करेंगे.